So welcome you all guys to our question number 12, exercise 5.3. So चलिए start करते हैं solve करना without time waste किए. चलिए सबसे पहले दिया हुआ है find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. तो चलिए sum निकालना है. पहला data क्या निकालना है आपको? Sum निकालना है. ठीक है, किसका sum निकालना है? 40 positive integers. ठीक है, integers तो आपको पता है ना, 1, 2, 3 इस तरीके से क्या होते हैं, integers होते हैं. तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे जो कि कैसे हो, डिविजिबल बाय 6 हो. तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा? इटसेल्फ 6. ठीक है, 6 से डिविजिबल होता है, 6 × 1 = 6. नेक्स्ट कौन सा होगा? 12. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बचपन की याद आएगी, 6 का टेबल. ठीक है, 6 का टेबल आप रीड करना स्टार्ट कर दो. तो हमें रीड नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे 2-3 टर्म्स लिखना है सिर्फ, 6, 12, 18, देन 24 एंड सो ऑन, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट 40 बोले हुए हैं. ठीक है, कितने? फर्स्ट 40. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अब देखिए इसमें सम का फॉर्मूला लगने वाला है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ, अगर 40 टर्म्स की मैं बात करूं तो वो क्या होगा, n/2, विच इज़ 40/2. फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे मैं पहले? चलिए फॉर्मूला पहले लिख ही देता हूँ, अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं या फिर जो पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ पाएगा. ठीक है, सो ये होता है n/2 2 × a प्लस n-1 d. तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 40/2, बिकॉज n/2 रखना है मुझे और n कितना है, 40 है. सो ये हो जाएगा 40/2 2 × a. सो 2 × द इनिशियल टर्म विच इज 6. ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है बिकॉज ep में क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल. ठीक है, इनिशियल टर्म कितना है, 6, प्लस n कितना होगा आपका, 40. सो इट विल बी 40 − 1. देखिए 40 − 1, तो ये क्या हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 6 का. तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, बहुत इजी है. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सम ऑफ 40 टर्म्स विल बी इक्वल टू 20 एंड इन द ब्रैकेट 6 × 2 = 12 प्लस 39 × 6. अब आप इसे मल्टीप्लाई करवा लो. सो आप देखो 39, 40 × 6 क्या हो जाता, ये हो जाता 24 240. उसमें से आप ना 6 माइनस करवा दो तो ये हो जाएगा 236. क्या हो जाएगा, 230, यहाँ पे 6 माइनस करो ना, हाँ, सो 234 हो जाएगा ये. सो ये हो गया 234. अब यहाँ पे देखते हैं 234 प्लस 12 क्या हो गया, दिस इज 20 और इसे आप ऐड करवाओगे, सो 4 + 2 = 6 एंड 3 + 1 = 4, हियर वी हैव 2. सो यहाँ पे आ गया 246. अब इसे आपको मल्टीप्लाई करवाना है 20 से, तो आप इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करवा लो सिर्फ. आप इसे किससे मल्टीप्लाई करवा लो, 2 से, 0 तो हम बाद में ऐड कर देंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 × 2 = 12, सो दिस वी हैव 2. यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड ऐड और 4 का डबल 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे 2 का डबल इज 4. आखिरी में क्या आ जाएगा, एक 0 और ऐड हो जाएगा. तो सम ऑफ 40 टर्म्स तो हमारे पास आ गया. और ये क्या है, ये कौन से 40 टर्म्स हैं, शुरू के आपके ऐसे नंबर्स, शुरू के ऐसे 40 नंबर्स जो किससे डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल हैं. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये, आपने देखा. So thank you guys for watching and have a nice day.